नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इलेवन आईपीएल के पांचवें मैच के प्रीव्यू वीडियो के साथ मैं आपका भाई आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा चैनल पीवीसी क्रिकेट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केकेआर और मुंबई इंडियंस के मैच के बारे में। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मैच नंबर 5 के केकेआर के प्लेइंग 11, मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और साथ ही दोस्तों फाइनल मैच प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं केकेआर के प्लेइंग 11 से। तो केकेआर की ओर से सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करने आएंगे राहुल त्रिपाठी, 3 नंबर पर नीतीश राणा, 4 नंबर पर शुभमन गिल, 5 नंबर पर ओवेन मॉर्गन, 6 नंबर पर कप्तान दिनेश कार्तिक, 7 नंबर पर ऑन्ड्रे रसेल और 8 नंबर पर पैट कमिंस, 9 नंबर पर कुलदीप यादव, 10 नंबर पर कमलेश नागरकोटी और 11 नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा। हालांकि दोस्तों, इंग्लिश कप्तान ओवेन मॉर्गन की जगह टॉम बेंटन खेल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो केकेआर की मिडिल ऑर्डर काफ़ी कमज़ोर नज़र आ सकती है, पर केकेआर की बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल वैसे ही होने वाली है जैसा कि आपको पीबीसी क्रिकेट बता रहा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। तो मुंबई इंडियंस की ओर से क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर सौरभ तिवारी, 5 नंबर पर कृणाल पांड्या, 6 नंबर पर कायरन पोलार्ड, 7 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 8 नंबर पर जेम्स पैटिंसन, 9 नंबर पर राहुल चहर, 10 नंबर पर ट्रेंट बोल्ट और 11 नंबर पर दोस्तों बूम बूम बुमराह। हालांकि देखा जाए तो दोस्तों, मुंबई की इस टीम में क्रिस लिन की जगह कहीं ना कहीं बनती तो है, पर मुंबई शायद दूसरे मैच में भी क्रिस लिन को मौका ना दे। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करते हुए बिल्कुल पहले मैच की प्लेइंग 11 के साथ ही अनचेंज रहेगी। तो अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों, पेसर्स को अर्ली स्विंग मिलने वाली है, बाद में थोड़ी बहुत स्पिन भी होगी और चेस करना दोस्तों मुश्किल होने वाला है। तो अब फाइनल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के इंडियन प्लेयर जो हैं वो फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही साथ पहले मैच में उनकी स्पिन अटैक काफ़ी साधारण दिखी थी। तो वहीं देखा जाए तो केकेआर की बैटिंग काफ़ी मजबूत लग रही है, साथ ही साथ उनकी पेस बॉलिंग और स्पिन अटैक भी काफ़ी तगड़ी लग रही है और दोस्तों उनकी डेथ बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, पीबीसी क्रिकेट आप लोगों को बता रहा है कि मैच नंबर 5 की विजेता टीम रहेगी केकेआर और जीत के साथ इस सीजन की शुरुआत करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ड्रीम 11 आईपीएल के 6 मैच के प्रीव्यू वीडियो के साथ हम कल फिर वापस आएंगे। पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।